बने हुए हैं, छत्तीसगढ़ के क्रिश्चियन फॉर्म का अध्यक्ष हैं, और इनसे हम पूछेंगे कि जो भी छत्तीसगढ़ प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर, अपने नाम सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। मैं अरुण पन्नालाल, मैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का अध्यक्ष हूं और हमारी संस्था पास्टरों का समूह है जिसको आज काम करते 25 साल हो गए हैं, और हम लोग मसीह सताओं के विरुद्ध बहुत जोर शोर से सरकार को दबाते हैं और उसकी पूरा झुकाने का काम हमारा रहता है। परमेश्वर की दया से हमको दो ऐसी बड़ी सफलताएं मिली जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि 2006 में यहाँ की जो रमन सिंह सरकार थी उस वक्त भाजपा की, उन लोगों ने एक धर्मांतरण विधेयक छत्तीसगढ़ में लगाने के लिए लाया था। हम लोग ने करीब 25,000 लोगों के साथ उसका विरोध किया था कि धर्मांतरण विधेयक यहाँ लागू नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे सोचने की शक्ति जो है वो पूरी आजाद है, उसके ऊपर सरकार किसी किस्म का रूल नहीं कर सकती, उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं बना सकती, और वो बिल आज तक यहाँ पे लागू नहीं हो सका। एक जो बीजेपी का गवर्नर था उसने भी उस बिल पे साइन करने से मना किया। फिर उसके दो साल बाद कांग्रेस का एक गवर्नर साहब आए, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर ये सरकार भाग के गई थी, उस वक्त प्रतिभा पाटिल हमारी राष्ट्रपति थी, तो उन्होंने भी मना कर दिया। इस प्रकार आज तक छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विधेयक लागू नहीं है। इन लोगों ने इंपोर्ट करके वहां से लेके आए हैं, मध्य प्रदेश का लागू करके रखे हुए हैं, तो उसमें कई कानूनी समस्याएं रहती हैं, इसीलिए बहुत कम हमारे ऊपर धर्मांतरण विधेयक के करीब करीब नहीं के बराबर केस लगते हैं। बाकी केसों में ये लोग हमारे पादरी को प्रताड़ित करते हैं, और ऐसे हम लोग बिल्कुल हर जगह लड़ते रहे हैं, और जब भी हमारे ऊपर अटैक हुआ है हमने 15, 16, 17 लोग, 18 लोग, इतने लोगों को गिरफ्तारी जरूर करवाई है, वो भले बजरंग दल के हो या कहीं हो, तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे और इसमें आपको सपोर्ट करे। लेकिन हमारा आप इतनी करीब, मतलब क्रिश्चियन समाज के लिए, मसीह समाज के लिए, इतना मसीह बिरादरी के लिए आप इतना जोर शोर से मदद कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना करते हुए भी मिसेज ज्योति शर्मा को, जो वहां पे एक पास्टर को थप्पड़ मार दिया जाता है, अचानक किसी चर्च में घुस जाया जाता है, और वो लेडीज को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन वहां उसे क्यों नहीं अब तक गिरफ्तार कर, जबकि हमारा संविधान खुला आजादी देता है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी प्रचार कर सकते हैं, लेकिन यह संविधान अलाव नहीं करता कि आप किसी को भी गए वहां पर थप्पड़ मार दिए, किसी को गए किसी को गाली दे दिए या कुछ कर दिए, क्या ये हमारा भारतीय संविधान करता है? बिल्कुल नहीं, इस भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं, खुद कभी आप आजादी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी को दुख ना पहुंचाते हुए अपना काम कर सकते, लेकिन ज्योति शर्मा जो है वो सीधा वो थप्पड़ मार दिया, अचानक सभा में, धर्म सभा में पहुंच गए जहां पे लोग प्रभु का आराधना कर रहे, जीसस क्राइस्ट का आराधना कर रहे, स्तुति गान कर रहे, वहां पहुंचकर लोगों को हंगामा कर देने, यहां तक कि दान पेटी को भी लूट लिया गया, मैंने देखा है कि वहां पे दान पेटी को लूट लिया गया, हालांकि ज्योति शर्मा इस चीज को बयान को बताया कि नहीं मैंने दान पेटी नहीं लूटा, लेकिन कुछ लोगों, अफवाह हो या क्या आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां बताया गया कि दान पेटी भी चर्च का लूटा गया। तो इतनी घटनाएं घटने के बाद भी ज्योति शर्मा को वहां पर, उस लेडीज को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, वहां का प्रशासन क्यों चुप बैठा है? ये जो आप ज्योति शर्मा का नाम ले रहे हैं ये एक बहुत छोटी घटना है, छुटपुट घटना है। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारा जो, इसका कारण बता रहा हूं मैं, इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो सरकार अभी है और वो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के सरकार के दिमाग में ये आ गया है कि हम माइनॉरिटीज को, और माइनॉरिटीज यहाँ पे मुस्लिम्स बहुत कम है, सिख तो करीब करीब नहीं है, अब माइनॉरिटी रहती है जो हम लोग करीब 20 लाख हैं छत्तीसगढ़ में, वो ईसाई लोग हैं, तो इनका ऐसा मानना है कि अगर हम ईसाइयों को प्रताड़ित करेंगे तो हिंदू वोट हमारे पक्ष में आएंगे, इसलिए हम पे इनको ये ज्योति शर्मा जैसे छुटपुट
टुचपुंजिये लोग बहुत हैं यहाँ पे, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई सरकार और पुलिस जानबूझ के नहीं करती है, तो इनको एक किस्म से सरकारी संरक्षण प्राप्त है, इसके चलते इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके लिए हम लोगों ने अभी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और होम मिनिस्टर जो है MHA जिसे कहते हैं अमित शाह जी को, उनके सामने भी रिप्रेजेंटेशन किया है, और एक घटना नहीं है ज्योति शर्मा के, ऐसे हमारे घटनाएं कई जगह पे ऐसी होती रह रही हैं। इन सब को लेकर के भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इन घटनाओं को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हमारा काम है कैसे भी इनको रोकना। अब मैं आता हूं ज्योति शर्मा के ऊपर। ये ज्योति शर्मा पिछले 2 साल से संरक्षण प्राप्त है इसको, इसके साथ 2 पुलिस वाले इसके संरक्षण में जाते हैं, और जब हमारे चर्च में ये जब अटैक होता है तब ये ज्योति शर्मा के साथ इनके 4-5 गुंडे हैं। एक का नाम है रतन यादव, ये रतन यादव और ज्योति शर्मा ये बिहार से आई हुई हैं, ये छत्तीसगढ़ की हैं नहीं, और यहां से आके ये उत्पात मचा रही हैं, और ये उत्पात मचाने की इनके औकात ही नहीं है अगर सरकार इनको संरक्षण ना दे। वो तो अभी भी कहता हूं संरक्षण आप हटा दीजिए, हम 2 मिनट में उसको सही रास्ते पे लेके आ जाएंगे, तो वो सब होगा नहीं। और यहां पे मैं आपको थोड़ी सी और एक जानकारी देना चाहता हूं कि यहां पे 4-5 जिले हैं, वो खैरागढ़ डोंगरगढ़ से लेकर के डोंगरगढ़ और बालोद तक के हैं। ये 5 जिले जो हैं हमारे मुख्यमंत्री सब बड़े मंत्री जितने होते हैं इन 5 जिलों से ही बनते आए हैं आज तक। तो ये जो है पॉलिटिकली बड़ा हॉस्टाइल और बड़ा एक्टिव बेल्ट है। इस बेल्ट पे खैरागढ़ से लेकर के डोंगरगढ़ और बालोद तक ये उत्पात मचा रहे हैं, ये 4-5 ही लोग हैं, और ये खाली हमारे समाज से नहीं, बीच में मुस्लिम समाज के साथ भी इन लोगों ने उत्पात मचाया था, कभी सड़क को लेकर तो कभी वो झंडा फहराने के नाम पे तो कभी कुछ पे। तो ये सारा सुनियोजित षड्यंत्र है जो खाली हमारे ही मसीह समाज के अगेंस्ट नहीं है, तो ये पूरी देश में अराजकता फैलाने की, भय हमारे मन में फैलाने का एक षड्यंत्र चल रहा है, और ये सरकारी संरक्षण के तहत चल रहा है। तो हम लोग भी अपने कदम बड़े फूंक के समझ के, खाली हो हल्ला और कैंडल और मोमबत्ती और मार्च करके ये कुछ होने वाला नहीं है। अभी इन्हीं लोगों ने जाकर के अभी यीशु मसीह की जो मूर्ति कैथोलिक समाज की थी उसको जाके इन लोगों ने तोड़ा है। इसके पहले इन लोगों ने हमारे कई चर्चों में अटैक किया है, उसके बकायदा हमारे पास FIR है, हम लोगों ने जाकर के IG को रिप्रेजेंटेशन किया है, उस पर मेरी मुख्यमंत्री से 2-3 बार मुलाकात हुई है, और बहुत गर्मा गर्म बात भी हुई है कि आप हमारे समाज को इस किस्म से अपेक्षित नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं उनके सामने भी हम जाके बात को रखते हैं, पर ओवरऑल जो ईसाई समाज को निलबटे सन्नाटा का हमको प्रतिक्रिया वहां से मिली है, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि ये खाली ज्योति शर्मा और ये मारपीट तक बात नहीं रुकती है, बात ये रुकती है कि संविधान ने हमको माइनॉरिटी कमीशन अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है हर प्रदेश में। इस आयोग का काम रहता है कि अल्पसंख्यकों का प्रोटेक्शन करे, उनको रक्षण संरक्षण, उनको कानूनी सुविधाएं दे। तो यहां जो छत्तीसगढ़ में जो हमारा आयोग बना हुआ है उसमें ईसाई मेंबर है ही नहीं, और ये पिछले 70 सालों में पहली बार हुआ है कि कांग्रेस की सरकार में रहते हुए आज एक ईसाई सदस्य माइनॉरिटी कमीशन में नहीं है। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाता कि हम सरकार के पास जाएं तो कैसे जाएं। हमारे पास कोई ईसाई मंत्री नहीं है, कोई ईसाई प्रतिनिधि नहीं है, कोई ईसाई चुन के आता नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है, अलग बात है, उस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। पर ये सब करने के बाद आज हमारे पास सरकार को एड्रेस करने के लिए कोई चैनल नहीं है। तो ये तो चलो ठीक है, सरकार के तक पहुंचने की बात होगी, लेकिन जहां तक हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर जहां तक अटैक होती, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि बीते दिनों में घटना घटी थी, अलाम शंकर को होली के बहाने आकर उन्हें गोली मार दिया गया कि मैं होली के बहाने मिलने आया हूँ, और उनको गोलियों से मार दिया गया, उनके परिवार को, उनके परिवार से उनसे अलग कर दिया गया और गोली मारकर। और मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, वहाँ पे छत्तीसगढ़ में बिलाई टाइम्स है, उनसे हमारी जो न्यूज़ वाले हैं उनसे हमारी बात हुई थी, ठीक है, ज्योति शर्मा के विषय में बात हुई थी, उनसे काफ़ी हमारे बात हुई थी कि भाई वहाँ पे आप न्यूज़ जो दिखा रहे हैं आप बहुत ही निष्पक्ष दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, लेकिन उनकी मतलब न्यूज़ जो बिलाई टाइम्स न्यूज़ का कंप्लेन है हमारे मसीह समाज का कि आप लोग आगे बढ़कर मतलब फाइट नहीं करते, आप लोग जवाब नहीं देते, आप लोग पीछे भागते हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारा ठीक है। ये जो मसीह समाज जो है वो लोग पीछे भागते हैं, नहीं आते हैं, नहीं जवाब देते हैं, स्टैंड नहीं लेते हैं। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पास्टर आराम शंकर को बुरी तरीका से गोली मार कर अब तक उनकी परिवार को इंसाफ नहीं दिया गया, उनको यहाँ तक अरेस्ट का भी सूचना हमें नहीं मिला कि हाँ जिन्होंने गोली मारा उनको अरेस्ट किया गया। हालांकि कोई कट्टरवादी कोई होता, उनके घरों में कुछ ऐसी होता जो अगर जो समाज में दंगा फैलाता है, उनके घरों में कुछ होता तो अब तक कई प्रकार के अरेस्ट हो जाता, जांच बैठ जाता। लेकिन उनके पास्टर के घर में जो गोली मारा गया था, पास्टर को उनके परिवार से लग करिए, उनके छोटे छोटे बच्चे को मैंने देखा, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, उनका कैसा होगा गुजारा और उनका इंसाफ अब तक क्यों नहीं मिला, इसका मुझे बताएं उसका क्या, कहाँ तक रिपोर्ट है, क्या तक सरकार वहाँ तक अपना काम किया, क्या नहीं किया, हमारे मसीह समाज को इसके बारे में जानकारी बताएं। अगर आप पादरी यल्लम उनका नाम है, उनको जो गोली मारी गई, टिमोथियस यल्लम उनका नाम है और वो दंतेवाड़ा से आगे 22-23 किलोमीटर के गांव में वहां पे काम करते हैं और उनको गोली मारी गई, ये तो घटना है। पर ये घटना के पीछे का षड्यंत्र पूर्वक ये काम हुआ है, ये कोई एकदम ऐसा सीधा नहीं किसी ने जाकर के गोली मार दी है। सबसे पहले इनके हत्या होने के पहले कई ऐसे पर्चे जा जाके हर जगह फेंके गए जिसमें कि उसमें हत्या की धमकी दी गई, उसमें 53 पादरियों के नाम थे जिसमें हम इसको करेंगे। और इतना ही नहीं, सुकमा के एसपी ने तो पहले ही हम पे दोष मढ़ के एक सर्कुलर निकाल दिया कि हम लोग इसके धर्मांतरण के आरोपी हैं, जबकि पुलिस का काम होता है ज्यादा हम लोग आरोपी होते तो हमारा FIR करके उनको देना चाहिए था कोर्ट में, और कोर्ट हम आरोपी हैं कि नहीं उसको ठहराता। और जो एक सुन लीजिए बात को, तो SP जो सुखमा जो था, SP सुखमा ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें हम लोग को दोषी ठहराया। इससे क्या हुआ, इससे जो विरोधी पक्ष जो है वो बहुत उनका उत्साह बढ़ गया और उसके बाद हमारे ऊपर 318 हमले हुए हैं उस एरिया में, जो ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसका हमने रिप्रेजेंटेशन किया, मुख्यमंत्री के पास गए, ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए कि ये अब गैर कानूनी काम कर रहा है, इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और वो जो सर्कुलर निकाला गया उसको वापस लिया जाए। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वहां का जो कमिश्नर है जो 5 जिलों के ऊपर रहता है, उनने भी वैसे ही एक सर्कुलर निकाला कि ईसाई लोगों को मारो पीटो, ये सब किस्म का वो धर्मांतरण करते हैं। और उसका भी जब हमने RTI से कॉपी मांगने की कोशिश की तो हमको RTI की कॉपी नहीं मिली। तो ये तो बैकग्राउंड है जिसके चलते ये हत्या हुई, और ये हत्या बहुत नियोजित तरीके से थी। उसके ऊपर हम लोगों ने और बहुत से ऐसे हमारे ईसाई संगठन हैं, उन लोगों ने आकर के उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करी, तो उसमें FIR तो ऐसे ही एक काम चला हुआ FIR हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें बयान आया था, उनने कहा था कि ये नक्सली हत्या है और हमने उसका विरोध किया था कि इसको हम नक्सली हत्या नहीं मानते हैं, इसको कृपया जांच की जाए करके, तो वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। नक्सली हत्या बोल करके सारे मामले को ठंडे करने का प्रयास है, तो सीधी सीधी बात यह है। और इसके आगे भी लाइन में 53 और हैं जिनकी हत्या कभी भी हो सकती है। इन बातों को हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे मैं सबूत के उठाते आए हैं। और सबसे हास्यपद बात यह है कि गांव के एक एक आदमी बच्चे को मालूम है कि कौन लोग गए थे, किनने हत्या करी, किनने गोली चलाई, किसने गला काटा, यह गांव के हर एक आदमी को मालूम है। हम लोगों ने उनसे बातचीत की है, सब की है, पर हमारी बात सुनेगा कौन? ये तो काम है सरकार का कि उसमें पहले FIR करे, और इनसे नहीं होता है तो ये CBI को दें, CBI से जांच की भी हमने मांग की है। तो ये सारी बातें को षड्यंत्र पूर्वक दबाया जा रहा है और आगे इस पे अब बहुत और हत्याएं होने की हमें आशंका है और होंगी, क्योंकि ये येलम के होने के पहले आप मेरे बाइट्स देखेंगे, मेरे फेसबुक को देखेंगे, और जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया, हम एक साल पहले से कहते आ रहे हैं कि ईसाइयों पे यहाँ पे हत्या होने वाली है और नरसंहार होने वाला है। इसी भी बात को हम लोगों ने इंटरनेशनल फोरम पे भी उठाया है और मैं सबूत के उठाया है, ऐसे हवा में बात करके नहीं उठाया है। तो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई किस्म से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केंद्रीय सरकार तो हमारे विरोध में है ही है और हमारा ये राज्य की सरकार है वो भी एक किस्म से उनके ताल में ताल मिला रही है, इसलिए यहाँ का ईसाई समाज पिसा जा रहा है। एक ऐसा केस आया जहां पुलिस के TI ने खुद आकर के चर्च में आग लगाई, जब गांव वालों ने मना कर दिया धर्मस्थल में हम आग नहीं लगाएंगे ट्राइबल्स ने, तो उसने TI ने खुद जाकर के उसमें आग लगाई।
उसका हम, और हास्यपद बात आप देखिए उसमें कि जब हमने वो टीआई के अगेंस्ट कंप्लेंट की ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो उन लोगों ने केस रजिस्टर किया और केस रजिस्टर करके उसी टीआई को अपने ऊपर जांच करने के लिए उसको अधिकारी नियुक्त कर दिया। अब वो जांच करके हमारे जितने शिकायत करता थे उनको धमका चमका रहा कि मैं नक्सल धारा हूं, लोगों के मकान तक में घुस करके तोड़ा फोड़ी हो रही है, कहते हैं कि नहीं यहां पे पहले एक जन्म में मंदिर था इसलिए हम इसको तोड़ रहे हैं, तोड़ दिया। दूसरी मैं आपको बात बता रहा हूं, भले ही कि आप बात कर रहे थे ना ज्योति शर्मा और दूसरे रतन यादव की, वहीं की मैं आपको घटना बता रहा हूं कि वहां पे एक यादव परिवार है, हिंदू है, कोई ईसाई ईसाई से कोई लेना देना नहीं है उसका, वो गाय पालते हैं, दूध बेचते हैं, उनकी छह गाय मर गई तो उन लोगों ने बाकायदा एनिमल हस्बेंड्री वाले वो ढोर डॉक्टर के पास जाकर के उसकी रिपोर्ट की, उसका पोस्टमार्टम हुआ, उनने सर्टिफिकेट दिया कि नहीं ये नेचुरल कारण से मरी है, उनने फिर जाकर के एसडीएम के पास गए उसकी रिपोर्ट लेके, और एसडीएम ने वहां से परमिशन दिया कि ठीक है इसका आप रफा दफा कर दीजिए, ये जो कंकाल बच गए हैं उसका। जब ये लोग उसको ट्रक में भर के लेके जा रहे थे तो ये रतन यादव और ज्योति शर्मा ने जाकर के उनको मारा पीटा तोड़ा फोड़ा, उनके गाय वाय कर कुरा के बिल्कुल उनको कर दिया, और वो जो यादव समाज है उनकी भी रिपोर्ट आज तक नहीं लिखी गई है। ये हाल है यहां का, और ये हाल यहीं का नहीं है, ये पूरे देश का है, और इसमें हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हमको न्याय मिलेगा, हम कौन से कोर्ट भागेंगे जब पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। कई ऐसे केसेस है जिसमें हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने उनको बोला कि इसकी जांच करो, और जांच करने के बाद पुलिस ने फिर बोल दिया कि नहीं यहां को सपोर्ट मिलना चाहिए था, जिसको हम बड़ी उम्मीद करके आज कांग्रेस पार्टी में भरोसा करते थे, वो ये हाल कर रही कि जो भाजपा के समय नहीं हुआ वो आज हमको हो रहा। हमारे पादरी को आज तक किसी ने गोली नहीं मारी थी और हत्या नहीं की थी, और 56-53 पादरियों को गोली मारने की धमकी आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, जो आज हम देख रहे हैं कि वो लहूलुहान हो गया, उसको गोली मार दी, और ये पहली हत्या नहीं है। सर, मेरे दर्शक गणों को मैं बताना चाहता हूं कि 14 साल का लड़का एक प्रार्थना कर रहा था, उसको उठा के ले गया, गला काट के फेंक दिया बाहर, आज तक उसका एफआईआर नहीं है। मंथन करना हमारा अधिकार है, आर्टिकल 25 में हम धर्मांतरित हो सकते हैं, धर्मांतरण कर सकते हैं, अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इस बात का समाज हमको मारने नहीं आता है, ये 5-6% ही उत्पाती लोग होते हैं जो हिंदू समाज से अपने आप को बोलते हैं, उनसे नफरत हिंदू समाज भी करता है। आगे भी बने रहिए, बहुत धन्यवाद मेरे सब दर्शकों को, और मैं उम्मीद रखता हूं कि जो छोटे मोटे बीज हमने बोए हैं जरूर फल लाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।